और तो जमशेदपुर में मान को गोल का चक्कर के सौंदर्यकरण के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं में झड़प हो गई। सांसद विद्युत वरण महतो को निमंत्रण नहीं देने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जमशेदपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, खुदीराम बोस की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हंगामा। जमशेदपुर के मानगो में बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दरअसल मानगो में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सिख धर्म का झंडा साहिब और खुदीराम बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है, लेकिन कार्यक्रम में स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। इस कार्यक्रम का आमंत्रण सांसद जी को क्यों नहीं दिया गया? एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। सरकार के दबाव में यदि जिसको प्रशासन आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुस्को के गेट के आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। दलाली करते हैं कि यह काम करता है, इसी बात को आपके माध्यम से हम पूछना चाहता था स्कूल मैनेजमेंट। और कैप्टन तो एक नंबर गद्दार आदमी है, बेईमान आदमी है, उसका तो बात बात को लगता है। जो झूठा आदमी नहीं तो कितना बार उसको जानते कि नहीं, बस को बसरा उठा के जान मार रहा था, रेत रहा था, हम बचा के लाते। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुस्को और टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट का भी विरोध किया, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कुछ भी बोलने से इनकार कर गए। हालांकि उन्होंने कहा कि मानगो के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, चार महीने के भीतर फ्लाईओवर का काम भी शुरू हो जाएगा। मानगो गोल चक्कर भी बेहतर हुआ और नेताजी खुदीराम बोस चौक भी हमारा और झंडा साहिब भी हमारा जो है वो शिफ्ट होके एक सुंदर आकार में हुआ। इससे लोगों को यातायात में थोड़ी सुविधा हुई है। अब इसके बाद हम लोग ये सेंट्रल वर्ज को भी ठीक कर रहे हैं और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ 2 से 3 महीना में कुछ आपको अच्छा काम दिखने लगेगा। इसको भी हम लोग यहाँ पर ओपन जिम लगाएंगे, लोगों को घूमने के लिए पार्क बनाएंगे। हंगामे और विरोध के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुदीराम बोस की प्रतिमा और सिख धर्म का झंडा साहिब का अनावरण किया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के तेवर से फिलहाल इस मामले के शांत होने के आसार नहीं दिख रहे। न्यूज़ीलैंड भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ये झड़प हुई है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि सांसद विद्युत वरण महतो को आखिर निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल राजा, देखिए आज मानगो गुलचक्कर का सौंदर्यकरण जिसको के द्वारा किया गया था और निश्चित है जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और उनकी पहल पर वो जो मानगो का गुलचक्कर है काफी व्यस्त रहता था, उसको फिल्म करके साइड किया गया था, जहाँ खुदीराम बोस का प्रतिमा था, साथ ही खांडा साहब का एक निशान पंजाबी लोगों का था, तो उसको फिल्म करके सौंदर्यकरण किया था और उसका अनावरण करना था। निश्चित है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटोकॉल के हिसाब से सांसद का भी नाम होना चाहिए और जिसको के द्वारा सांसद के निमंत्रण नहीं देना, कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को नाराज गुजरा। उसके बाद वहां भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गया और उसके बाद नारेबाजी करने लगे और दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता के बीच में आप काफी देर तक हंगामा चलता रहा। उसके बाद पुलिस के बीच बचाव के बाद दोनों पार्टी जो शांत है उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई और कार्यक्रम के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही जिसको के जो एमडीए वो थे कैप्टन शर्मा थे और उसके बाद कैप्टन धनंजय मिश्रा थे, चाणक्य चौधरी थे जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से आते हैं, तो वो लोग सारे लोग मौजूद थे, उनके मौजूदगी में किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा कार्यकर्ता का साफ कहना था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सांसद को बुलाना चाहिए था, वो नहीं बुलाया, इसको लेकर काफी देर तक हंगामा। बाद में सांसद भी खुद पहुंचे वहां पे, उन्होंने भी विरोध जताया और साफ लहजे में कहा कि जिसको अगर इस तरीके से गलती की है तो उसको समझना भुगतना पड़ेगा। या तो कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि कैप्टन को माफी मांगना हो, कैप्टन जो मिश्रा है उन्हें माफी मांगना होगा, क्योंकि सांसद कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी नाम होना चाहिए, और उसी को लेकर काफी देर तक हंगामा चला। लेकिन बाद में फिर दोनों कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। जी राज, आखिर वजह क्या रही? सांसद को नहीं आमंत्रण किया गया, किसी वजह से छूट गया, या फिर कांग्रेसियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि आखिर उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया था?
विधायक को या मंत्री को निमंत्रण किया और भी लोगों को निमंत्रण किया था, तो सांसद को भी निमंत्रण देना चाहिए। जो साफ लेवल में जिसका विरोध कर रहे थे, सांसद को निमंत्रण नहीं दिया था, कहीं ना कहीं या तो कहीं या झूठ की चीज है या फिर कहीं ना कहीं नासमझी है, तो सांसद को नहीं बुलाया। इसी का विरोध वहाँ के कार्यकर्ता कर रहे थे और निश्चित कार्यकर्ता विरोध करेंगे की सांसद पूरे क्षेत्र का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आपका स्वर्गीकरण आपके विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सांसद को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन सांसद नहीं बुलाने से सारा यह हंगामा बरपा और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग समझे भी और उसके बाद निश्चित है जिसको जो ये पदाधिकारी थे वो कहीं ना कहीं गलती एक्सेप्ट किए। निश्चित है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगे से इस तरीके से जो नहीं होगी, भूल चुक से अगर नाम अगर हम नहीं चढ़ाया या नहीं दिए तो कहीं ना कहीं आगे चलते उसको ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, वो विरोध जताना भी क्योंकि मानगो का क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा भी का इस समय तक तपस्वीज करता रहा है, उस क्षेत्र में कई बार विधायक भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों में आपस में कला चलता रहा था। और यही नतीजा जब नारेबाजी करने लगी तो दोनों तरफ से नारेबाजी होने, एक तरह बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, एक तरह सांसद बिंदू बन जिंदाबाद, लेकिन बाद में पुलिस पहुंची और फिर अध्यक्षता करके काम करा और उसके बाद कार्यक्रम को भी संपन्न कराया और आज मानगो का जो चक्कर है फिर से लाइक जिसको टाटा के खिलाफ भी इन्होंने प्रदर्शन किया। बिल्कुल, देखिए जिससे के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहा था और जिससे का खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे थे, कैप्टन जो धनंजय मिश्रा उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे जो कार्यकर्ता था, और साथ में जब नारेबाजी करते रहे तो भाजपा कार्यकर्ता जब नारेबाजी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या वहां मंत्री स्वयं थे तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि मंत्री के सामने इस तरीके से नारेबाजी है, तो उन लोग भी नारेबाजी करने लगे, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, उसके बाद हंगामा बरपा और उसके बाद धक्का मुक्त करके सारे साफ नजर आ रहा है कि दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलती थी जिसको एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने कहा कि आगे इस तरह से कई बार कई जगह पर ऐसे देखा गया है कि अगर सांसद का कार्यक्रम है तो वहाँ जो विधायक है स्थानीय विधायक को निमंत्रण दिया जाता है या फिर जो मंत्री है उन्हें निमंत्रण बाकायदा बोर्ड भी लगाया जाता है, कई ऐसे उद्घाटन समारोह हमने देखा, लेकिन यहाँ जिसमें के द्वारा जो तैयार किया गया था, हालांकि वो एमएनएससी का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे विशेष पदाधिकारी उनका कहना है, नगर निगम उनका कहना था कि जिसको का द्वारा तैयार किया गया जिसको को ही नेमप्लेट लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन जिसको ने नहीं लगा तो कहीं ना गलती एक्सेप्ट किया, आयदा से इस तरह की गलती ना हो ये बात जरूर उन्होंने सिखाया। प्रभात, आखिर झड़प की नौबत कैसे आई? क्या सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे? एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां पर, सिक्योरिटी नहीं थे या पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं थी जो ये नौबत आई बताई? नहीं देखिए राजा, मंत्री का कार्यक्रम था, निश्चित मंत्री का अपना स्पॉट होता है, जिला प्रशासन का स्पॉट होता है, साथ ही जो मानगो के सेक्टर है विनय कुमार वो स्वयं वहां मौजूद थे, लेकिन उनको देखा नहीं था कि इस तरीके से एक बार हंगामा बरप जाएगा, क्योंकि मंत्री के अपने स्पॉट गार्ड रहते हैं, पुलिस पदाधिकारी थे, लेकिन नाराबाजी होते होते जब एक दूसरे के आमने सामने आकर उसके बाद फिर वो धक्का मुक्की शुरू हो गई थी, भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, मंत्री का भी नारेबाजी कर रहे थे, गुस्से का भी विरोध कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनको कहीं ना कहीं लगा कि भाई हमारे मंत्री का या हमारे विधायक का जो अनादर हो रहा है, इसको लेकर आपस में दोनों भिड़ गए और दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी, काफी देर तक नारेबाजी है, क्योंकि पुलिस भी मौजूद थी और उनका शौक भी मौजूद था, लेकिन बाद में पुलिस की मध्यस्थता के बाद दोनों को शांत कराया गया और जैसे मैंने पहले ही बताया कि कार्यक्रम को दारू से चलाकर संपन्न भी कराया और जिसको ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जिसको की तरफ सबसे ज्यादा जिसको के पदाधिकारी को ही नाराजगी को झेलना पड़ा, क्योंकि वो जिसको का ही कार्य किया गया जो पंजीकरण किया गया जो मानव सरकार है जिसको के द्वारा तैयार किया गया था और मंत्री बल्ला गुप्ता के कहने पर तैयार किया, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि मानव का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये उस वक्त ये झड़प हुई कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जब वहां पर खुदीराम बोस की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर मौजूद थे, लेकिन सांसद विद्युत वरण महतो को निमंत्रण नहीं देने के खिलाफ बीजेपियों ने ये नारेबाजी की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।